अयोध्या में राम भगवान के विराजने की खुशी में देश के अनेक प्रकार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश में उत्सव का माहौल है। सभी लोग बड़े ही भाव से कलश यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं इसी विषय को पढ़ते हुए राजनाथ गांव में बाल समाज और बालाजी मंदिर के तत्वावधान में निबंध और पेंटिंग का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित प्रतियोगिता में 1000 बच्चों ने भाग लिया। वहीं इसमें प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। राजनाथ गांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। यात्रा है पूरा गन लाइन से निकलेगी, शहर के विभिन्न मार्गों में अपना भगवान श्री राम की हर्ष जुलूस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए और रात के प्रसादी शाम के प्रसादी का भी वितरण यहाँ पर बालाजी मंदिर में किया जाएगा। मैं अजीत जैन पूर्व महापौर जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, इसी उपलक्ष में श्री बालाजी मंदिर समिति और यामिनी क्रीड़ा एवं कला केंद्र के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह निःशुल्क है और इसमें कक्षा नर्सरी से लेकर के कॉलेज और अमहाविद्यालयीन स्तर के जो बच्चे हैं वो भाग ले रहे हैं। इसमें रामायण के प्रसंग विषय पर बच्चे चित्रकारी कर रहे हैं। 6 वर्गों में यह प्रतियोगिता हो रही है, जिसके प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के अलावा अन्य आकर्षक चित्रकारी करने वाले बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही सभी बच्चों को भी कुछ ना कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने बच्चे लगभग 1000 बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सभी बच्चों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी